3, 2, 1. Oh! Hello everyone, welcome back to the channel. I hope you guys are doing absolutely good. This time we are traveling to some of the beautiful destinations in the northern part of West Bengal. Train will start at 9:40, so we have 15 minutes in hand. हम लोग इस बार ट्रैवल कर रहे हैं गरीब रथ एक्सप्रेस में. दिस ट्रेन विल स्टार्ट एट कोलकाता स्टेशन एंड विल रीच गुवाहाटी ऑन द वेरी नेक्स्ट डे. बट हम लोग गुवाहाटी नहीं जा रहे हैं. कहाँ जा रहे हैं थोड़ी देर बाद में हमें डिस्कस करते. एंड टू आवर अटर सरप्राइज आवर ट्रिप प्लानर मिस्टर संजय सबसे पहले पहुँच चुका है. पिछले जितने बार भी ट्रिप कर चुके हैं ये बंदा हमेशा 11th आवर पे पहुंचता है और बाकी सबको हार्ट अटैक देता है. लास्ट टाइम आई मिस्ड द फ्लाइट इसीलिए इस बार. लास्ट टाइम ही मिस्ड द फ्लाइट. प्लान तो डिस्क्लोज नहीं कर रहा है राइट. नहीं प्लान है ही नहीं. दैट इज द बिगेस्ट पार्ट ऑफ दिस ट्रिप. कोई प्लान नहीं है. व्हाट प्लान व्हाट आई हर्ड दैट देयर इज सम बैकअप प्लान. प्लान ए प्लान बी डिपेंडिंग ऑन द वेदर कंडीशन. ये सब मैं सबको बोला हूं. कोई प्लान नहीं. कोई प्लान नहीं. कोई प्लान नहीं. वी विल बी रीचिंग एनजेपी एंड ड्यूरिंग ऑन आवर वे वी विल डिसाइड. ओके बाय. सबसे पहले इनसे मिलो मिस्टर सुभजीत बाग हु इज स्पेशलिस्ट particularly cancelling trips at the very last moment. Yes. And you know Tatai. Yeah. पहली बार वे एक बार एक दो ट्रिप में रह चुके हैं मेरे साथ. आकाशदीप ही वॉज देयर इन विथ मी इन द मेघालय व्लॉग. मिलते हैं बाकी दो लोगों से शुभंकर एंड अड़को. हम लोग जा रहे हैं नॉर्थ बंगाल. ये लोग वहीं से है तो दे विल बी लाइक सम काइंड ऑफ गाइड टू ऑल ऑफ अस. सो टाइम फॉर सम रिफ्रेशमेंट. अभी सब लोग कॉफी पी रहे. चीयर्स करो. चीयर्स. जब भी आप लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हो कि एक काउंट ठीक ठाक दिया है कि नहीं और कंडीशन कैसा है. अभी तो कंडीशन ठीक ही लग रहा है. काउंट देख लिया ना पूरा एकदम. हाँ एकदम ठीक था. शुभंकर गुड नाइट. गुड नाइट. गुड नाइट. अभी रखते हैं कल सुबह मिलते हैं. बहुत नींद आ रहा है. गुड नाइट. सो रीच्ड एनजेपी न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन एंड आई केम टू दिस स्टेशन आफ्टर ऑलमोस्ट 3 years. So many good and nostalgic memories are connected to this place because mera jo engineering college tha wo New Jalpaiguri mein hi tha. So after 3 years means a lot. Jo drinking water ka wahan pe machine tha wahan se ekdam kharab pani nikal raha hai. To abhi yahan pe 5 rupaye 10 rupaye as per the container charge kar rahe hai. Rather than to buy water it's good to refill them. अभी हम लोग एनजेपी स्टेशन के बाहर आ चुके हैं. वेदर तो काफ़ी अच्छा लग रहा है एंड ये जो प्लेस है इसके साथ बहुत ही अच्छे अच्छे मेमोरीज जुड़े हैं. लाइक जितने बार भी हम लोग एनजेपी स्टेशन आते थे व्हाइल रिटर्निंग टू होम फ्रॉम कॉलेज यहाँ पे एक फ़ोटो ज़रूर लेते थे. मतलब ये प्लेस के साथ बहुत ही अच्छे अच्छे मेमोरीज अभी भी याद आ रहा है मेरे को. आई एम फीलिंग सो मच ऑफ एक्साइटमेंट. डन विद योर फोटोज़. ठीक से बांध लेना यार कुछ. काका आप थोड़ा इधर बोल दो कहाँ कहाँ जाएंगे कैमरे पे. हम लोग फर्स्ट जा रहा है व्यू पॉइंट टी गार्डन. उसके बाद मिरिक गोपाल दारा टी गार्डन पशुपति मार्केट टांसी व्यू पॉइंट. उसके बाद लेप्चा जगत. और कहाँ से कंचनजंगा दिखेगा. कंचनजंगा टांसी व्यू पॉइंट से दिखने का चांसेस है. रेडी. एब्सोल्युटली. गाइस हाउ इज द जोश. हाय सर. हाउ इज द जोश. हाय. We are on the way to Mirik and on the way we have stopped at our first viewpoint. Such cool and pleasant temperature currently we are facing. And our cameraman is all set ready to capture the view. And right now I am shooting with my absolute go-to device, that is GoPro Hero 7. Most amazing part is the hyperlapse and a hyper smooth quality. You can see there is no shake. ye 40 rupaye ka sunglass hai. 40 rupaye ka sunglass. aaj to prediction tha full rain ka. hum log wahi dekhe the to hum log soch rahe the ki rain na mile. abhi tak so far so good but you never know. very good. yeah so far is very good but you never know. climate can change drastically in such kind of scenarios. abhi hum log ek mandir ki taraf ja rahe hai. वही सेम स्टॉपेज पे एंड ये पूरा व्यू आपको मैं दिखाता हूँ. फाइन. या वेरी स्टिफ. जय शिव शंभू. आशीर्वाद दो.
तो यहाँ पे ज़्यादा देर टाइम वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ पे अगर ज़्यादा देर टाइम वेस्ट किया तो मिरिक पहुँचने में बहुत टाइम लग जाएगा क्योंकि रास्ता थोड़ा बहुत ख़राब है। ये नीचे देखेगा तो नेपाल बॉर्डर, तो नेपाल बॉर्डर उस तरफ जाता है, उस तरफ और नेपाल है। कौन सा साइड? ओ जो देख रहा है नेपाल है, पूरा साइड नेपाल है, पूरा साइड नेपाल है। यहाँ पे बंगला पिक्चर का शूटिंग हुआ था। ये रिवर है, इंडिया टू नेपाल का बॉर्डर रिवर है। अच्छा, इंडिया टू नेपाल बॉर्डर, इंडिया टू नेपाल। एज यू कैन सी वी आर वेरी क्लोज टू द नेपाल बॉर्डर एंड और ड्राइवर भाई साहब ने वही बोला कि नेपाल बॉर्डर के बहुत ही नज़दीक है। वो जो गाँव आपको दिख रहा है उधर, वो नेपाल की साइड है। और नीचे थोड़ा बहुत दूर तक देखोगे, मैं जूम नहीं कर सकता, इसमें जूम नहीं होता है, तो दूर तक आपको टी गार्डन दिखेगा। और देखो कि वेदर कितना एब्रप्टली चेंज हो रहा है। एक्चुअली जो पॉइंट के लिए मैं ढूंढ रहा था वो मेरे को मिल गया। आई लव मिरिक। यस, वी आर एट मिरिक। वी हैवंट रीच्ड येट। ये व्यू पॉइंट पे तो एक फोटो बनता है, क्या बोलते हो आप लोग? डेफिनेटली चलो फिर फोटो लेते। व्हाट इफ आई टेल यू दैट दिस इज अ फुटबॉल ग्राउंड? I wish I can play here. Tatai, football ground ko dekhe kaisa lag raha hai? Khelenge kya? Haan, khelne ka. Ball milna chahiye. Ooh, hello. Abar khawa biscuit ta anle khawa. Last time bhi hum log jab Meghalaya pe gaye the to aisa ek football ground mila tha aur Tatai was like absolute crazy. Usko agar ek ball de diya na to wo apko skills dikhayega. Wo specialist hai football pe. We are currently heading towards Mirik Lake. That is the main attraction of this Mirik city. You will see ki kuch bhi nahi dikhega lake. So thodi der mein clouds matlab hawa chal raha hai to clouds nikal bhi jayega. And then you will get to see the entire lake. Hum log boating nahi kar rahe, theek hai? Hum log just viewpoint dekh ke nikal jayenge. You will get to see both of the things because the clouds are passing by. Agar itna time permit kiya to time lapse le sakta hai. Theek hai hum log. See clouds kaise ghus rahe hain andar. अभी हम लोग का बैड लक समझो या गुड लक समझो, अगर व्यू पॉइंट ना दिखेगा तो बहुत दुख मिलेगा हम लोगों को। स्वीटनेस ऑफ द वॉइसेस ऑफ दिस फीमेल्स आर रियल। एक और बार अच्छे से बोल। सो रेडी फॉर द मिरिक व्यू पॉइंट? रेडी, 1 2 3। से पूरा क्लाउड घुस गया है, थोड़ा बहुत दिखाने में टफ होगा क्योंकि ये गोप्रो में जूम नहीं होता है। कितना अच्छा व्यू है। एंड थोड़ा बहुत अगर मिरिक के बारे में बात करें तो मिरिक इज अ स्मॉल टाउन एंड म्यूनिसिपैलिटी ऑफ दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट, द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, एंड इट इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ मिरिक सब डिविजन ऑल्सो। नेम मिरिक एक्चुअली कम्स फ्रॉम द लेप्चा वर्ड मिर योक, विच मीन्स प्लेस बर्न बाई द फायर। बहुत ही जब छोटा था तब मिरिक पर मैं आया था तो ये साइड भी पूरा एकदम अच्छा व्यू था। पता नहीं क्यों ये पूरा एकदम ढक गया है, पर ठीक से मेंटेन भी नहीं कर रहा है, क्या नहीं कर रहा कुछ पता नहीं। So Subhajit, what are you actually thinking? My back is paining now. थोड़ा रेस्ट ले लेना। इस व्यू में रेस्ट लेने की सो जा, वहाँ पे सो जा। सो चाय आ गया। Cheers. Cheers. चाय को दिखाओ कैसा है कलर। पूरा तो व्हिस्की लग रहा है भाई। This is very good. So we are on the way to Lepchajagat. Meantime, I will showcase you the absolute beauty of the tea estate of Darjeeling. Orko is from Koch Bihar. So this type of tea estate are very much familiar to him. So are you feeling like something different or like yeah, just a normal day? I will not consider this to be a normal day. We are here with friends, so we are enjoying a lot. This type of tea gardens in Dubai only. And after that, it will be Jalpaiguri to some extent in Mekhliganj. Mekhliganj, okay. So this like all are superior quality tea or it varies. These are the tea leaves. Okay. So when I'm going ahead and cutting the first portion, okay. So this is what is considered as first flush tea. So this is very strong and this is the most expensive one. And after that, when the second time the leaves will come, that will be considered as second flush. तो अभी हम लोग ऊपर जा रहे हैं। This part is very much slippery. मैं तो जूते में कुछ ग्रिप भी नहीं मिल रहा है। उतरने का टाइम में थोड़ा दिक्कत होगा। 3 2 1। ओ क्या लुक दिया है तूने ऑन पब्लिक डिमांड। एक और बार
यहाँ पे इतना स्लिपरी है, लोग कैसे नीचे आ रहे हैं देखो। वुडलैंड भाई, मैं तो एक बार गिरते गिरते बचा। आजा आजा आजा, ठीक है, कुछ नहीं हुआ। यू आर एक्सपीरियंस इन ट्रेक। डाउन हिल भी खूब बाजे, स्पेशली स्लिपरी टेरेन। वेरी मच हंग्री राइट? जल्दी जल्दी खा लो। तो ये आ गया चिकन थाली और दाल राइट, अंडा थाली आ रहा है। अभी हम लोग बहुत ही ज़्यादा हंग्री है, थोड़ा बहुत खा लेते हैं। चिकन थाली और नॉर्मल अंडा थाली ऑर्डर किए हैं, तो खाने के बाद आप लोगों से मिलता हूँ। सो जस्ट फिनिश्ड आवर लंच एंड एज यूजुअल, ये पहाड़ों में जब भी मैं लंच करता हूँ और सब लोग लंच करते हैं, इतना सिंपल बट हेल्दी और फूड देता है। तो जब भी आता हूँ पहाड़ में, कभी मेरे को डिसअपॉइंट नहीं करता है। और आगे हम लोग का प्लान है थोड़ा बहुत मोमो टोमो खाने का, देखते हैं। और अभी मैं ये शर्ट ऊपर पहन लिया, थोड़ा बहुत ठंडा भी लग रहा है। कौन सा फोटो ले लो? गाड़ी का भैया, जब मस्त चमका है। बाप रे। On our way to Lepchajagat, we have stopped for another viewpoint. This place is known as Simana viewpoint. We feel so much fortunate today. It was expected that it will be raining throughout the whole day, but fingers crossed, there is no rain currently, and we can see the clear cut view. आ रहा है पूरा व्यू? तो चाय आ गया हम लोग सबके लिए। और ये देखो व्यू पॉइंट, चाय वाला को भी दिखा दो, चाय वाला को भी दिखा दो। ये देखो भाई चाय वाला, चाय चाय चाय। टायर्ड लग रहा था तो चाय पी के थोड़ा बहुत रिफ्रेशमेंट तो चाहिए। चाय It's showing Shandakpur is around 43 kilometers, Siliguri 73, and Simana is 8 kilometers. We are right here at Lepchajagat, 14 kilometers away from Darjeeling. Slightly upbeat area, but very good during both in monsoon season and normal time. Lepchajagat is located on a hill covered with oak forest and beautiful rhododendron. It is located on Ghum Mirik Road at the Suki Pokri near Darjeeling. So as I mentioned, it's around 14 to 15 kilometers from Darjeeling. And when I googled for the exact meaning of this place, I found it means the land of Lepcha. वो सर पूरा दार्जिलिंग सिटी है, बट अभी बहुत ज़्यादा रेन क्लाउड से तो आपको कुछ दिखेगा नहीं। उसके लिए थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा, जब शाम के टाइम पर बहुत ज़्यादा लाइट्स ऑन हो जाएगा तो आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। अभी बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रहा है, मुझे जल्दी से जल्दी होटल के अंदर जाना पड़ेगा, नहीं तो मैं बीमार पड़ सकता हूँ, क्योंकि बहुत ही हल्का हल्का ठंडा ब्रीज भी चल रहा है। नाउ आई जस्ट प्रे कि जल्दी से जल्दी ये रेन बंद हो जाए, क्योंकि इतना बारिश होगा तो उधर का व्यू अच्छे से नहीं मिलेगा। लग रहा था कि आज तो बारिश होने ही वाला नहीं है, इतना धूप है, इतना सनलाइट था। अभी लग रहा है कि हाँ, जो फोरकास्ट था वो थोड़ा बहुत राइट हो रहा है, कुछ दिख भी नहीं रहा है। देखो सब फॉग लाइट ऑन करके आ रहा है, देखो कैसे क्लाउड्स अंदर आ रहा है। अभी बारिश थोड़ा बहुत रुक गया है, बट क्लाउड्स की वजह से कुछ भी नहीं दिख रहा है। And I just want to take that absolute beautiful time lapse. I will try my level best, but let's see ki le pao ki nahi. So let's take a room view. Ye chhota sa room hum logo ko mila hai. Three beds are there and we are seven people. So after a hell lot of bargaining, we got it for only 1800. And one thing I always check at every hotel, that how is the washroom. Washroom तो ठीक ही लग रहा है, छोटा है, but हम लोगों को manage करना पड़ेगा, क्योंकि इतना bargaining के बाद मिला है room, तो थोड़ा बहुत तो manage तो बनता है। Guys, are you feeling sleepy or tired? Tired.
I don't have that word in my dictionary. So you can be fooled by nature at any time, like this happened today. So we are lucky to get in earlier as quickly. Yes, and currently there is maybe currently it is raining. You are lucky enough to get into the hotel before this rainfall starts. This is actually a once in a lifetime experience. Yes. This is what you will not get anywhere. I would not say not get anywhere, but yeah, in West Bengal, truly we would say that yes, Bengal, it is the sweetest part of India. Yes. Yeah. Shubhajit, how much are you enjoying? Because you had a masterpiece of cancelling the trip at the very last moment. You are mastered in that. And we are blessed enough to have you in this trip. Say something, yeah, say something. I am speechless about this introduction of mine. Dadai? I just want to say that I am here only because of you. I was telling to Orko that he is from North Bengal only, so he is quite habituated to such kind of weather throughout the whole monsoon. Best time to visit Lepchajagat is October to February, I will say, because you will get to see the entire Kanchenjunga range, snow-capped mountains from here. But yes, if you are a nature lover, if you like forest, if you like greeneries, then monsoon is the best time to come. Because today morning we have thoroughly enjoyed the view, and now from the room we are seeing this rainfall, and everywhere it is lush green. So, Namkin biscuit. You can test. Oh, ये मौसम पे बारिश हो रहा है बाहर और ये नमकीन बिस्किट with garma garam tea. और क्या चाहिए? Life sorted. Sir, can you get the biscuit, please? Yes, I'm giving it. Just have it. No, we all will have it. ये मौसम में चाय मिल गया. हाँ, मन खुश हो गया चाय पी के. So with that said, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं. I hope you have enjoyed this Mirik and Lepchajagat vlog. And if you are new to the channel, please do subscribe my YouTube channel. Till then, goodbye. Take care. We'll meet you tomorrow. Thank you.